राम मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल से लाई जा रही दो विशाल शालिग्राम शिलाएं मंगलवार की देर रात गोरखपुर पहुंची। यहां आतिशबाजी और फूलों की बारिश के बीच शहर भर ने भव्य स्वागत किया। शिला रथ रात 12:45 पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी। सुबह धूमधाम से ये रथ अयोध्या के लिए रवाना किया गया। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कंवलनाथ, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ के साथ अन्य संतों ने विधि विधान से पूजा कर इन शिलाओं का स्वागत किया। इस शिला रथ पहुंचते ही जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने शिलाओं पर माथा टेका। लोगों ने विशाल शिला को छूने की होड़ लगा ली। मंगलवार शाम को NH-28 के रास्ते कुशीनगर की सीमा में इन शिलाओं ने उत्तर प्रदेश में एंट्री ली। दरअसल इन शिलाओं से अयोध्या में श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा ये है कि शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी है। इसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप और माता सीता के विग्रह के निर्माण किए जाएंगे। मूर्ति निर्माण के दौरान शिला की कटाई छटाई से निकलने वाले कणों का विग्रह निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमें कुछ सौगात देते हैं, क्योंकि हम वहां दशरथ के रूप में जाते हैं, तो अभी हमको दशरथ के रूप में जानकी मंदिर के महंत ने सीता जी के पिताजी के रूप में हो करके और हमको ये समधि के नाते से और सौगात रूप में हमें शिला दी है और ये सौगात जा रही है अयोध्या। और ये बार आए हैं आज गोरखनाथ मंदिर पहुंची, किस तरह की पूजा अर्चना की, उसके बारे में। ये तो पूजा किया है, सभी मिथिलेश नाथ ने पूजा किया है, देवी पालन के महंत है, शांति नाथ जी है, सब लोग पूजा किए हैं। महाराज जी भी आएंगे क्या कल? अब देखो सुबह जानके सवेरे आना चाहिए, लग रही है। हाँ आना चाहिए। शालिग्राम का महत्व क्या, इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये तो शालिग्राम, ये तो राम जी की मूर्ति बनेगा, उसका पचिला ना उसको फिला का है ना, राम जी की मूर्ति बने, सीता की मूर्ति बनेगा। यहाँ अयोध्या में ले जाएंगे, इतना ऐतिहासिक क्षण है, पूरा बहुत खुशी हो रहे हैं। कल अयोध्या के लिए कितने बजे रवाना होगी ये शालिग्राम? देखो कितना, 8-9 बजे हो जाएंगे, महाज हो सकता आ सकते हैं। बोल रहे जी, महाराज जी आज आपने पूजा किया क्या, कैसे कैसे क्या? ये तो पूजा को आरती दुबिया किया है, कपूर से किया है, जल माला फूल चढ़ाया गया है, सभी फूल है। तो कल जो पूजा करेंगे विधि विधान से, वो भी पूजा होगी, और वो भी हो गया 10 मिनट का होगा, 10-15 मिनट होगा, उसके बाद रवाना हो जाएगा। अब देखो 9 बजे पूजा करेंगे यहाँ से, हाँ बस्ती भी जाएगा। हाँ कब ये अयोध्या पहुँचेगा बाबा? अब देखो 2 दिन के लिए पहुँचेगा। निधि जी ये बताइए, कितनी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था शालिग्राम देवशिला का, और कितने आप लोग आस्था महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब इतना लकी फील कर रहे हैं अपने आप को कि हम लोगों को टच करने को मिले, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मम्मी तो कल से ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कब हम मिल रहे हैं। तो कहाँ की रहने वाले आप? हम गोरखपुर के। गोरखपुर में कहाँ रहते हैं आप? तारामंडल। इतनी दूर से आप लोग आए यहाँ पर इतनी रात में, कितनी देर से आप लोग? अब आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे अंदर कितना श्रद्धा है कि हम रात में अभी भी खड़े हैं और हमें जाने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है इतिहास का जो पल है उसके साक्षी बन रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना, मतलब हम सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं कि हमें दर्शन करने को मिला साक्षात। क्या नाम है आपका? नेहा पांडे। नेहा ये बताइए कितने बजे से आप लोग आए हुए? मैं तो कल से वेट कर रही हूँ, हम जब नेपाल से जनकपुर से निकले तब से हम वेट कर रहे हैं, और हमें पता चला कि 2 बजे आने वाले हैं, तो हम 2 बजे से वेट कर रहे, फिर वेट करते 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 और अभी हमें दर्शन करने को मिला। अभी तो अब रात का 1 बज रहा है, तो कितनी आस्था दिखाई दे रही, कितना जयकारे लगते हुए दिख रहे? बहुत सारा, बहुत ज्यादा जयकारे लगते हुए दिख रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं, हमारा गोरखपुर बहुत खुश है, और हम योगी जी की वजह से आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।